डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में आए हुए मेरी माओ बहनों भाइयों सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं इस मौके पर एक दो तीन बातें आपके सामने रखते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये कि जमात इस्लामी हिंद ज़िले आदिलाबाद की तरफ से पिछले तीन दिन से ज़िले के मुख्तलिफ मुकामात पर हम जो ज़रूरतमंद हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उन तक हम इस सर्दियों की तकलीफ जो वो बर्दाश्त कर रहे हैं उसमें कुछ मदद के तौर पर हम ब्लैंकेट तकसीम कर रहे हैं। इस एतबार से पूरे ज़िले में हमने अभी तक 542 ब्लैंकेट्स हमने तकसीम किए हैं। 3 लाख रुपए की ज़्यादा की रकम से हमने ब्लैंकेट मंगाए थे। जुमला 542 ब्लैंकेट्स है जो हम भीमपुर मंडल, तानसी मंडल, जैनत मंडल और आदिलाबाद और मवाला, ये 5 मंडल के अंदर और नारूर मंडल 6 मंडल के अंदर हमने ये तकसीम किए हैं। 542 अफराद तक हम अभी तक पहुँच कर हमने दावा दी है। तो इस मौके पर एक दो बातें मुझे ये कहनी है कि पहले तो ये अपने जहन से निकाल दिए कि आप लोग के ऊपर हम कोई एहसान कर रहे हैं, कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। ये दरअसल आपका हक है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसको इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम दे रहे हैं आप ले रहे हैं, बल्कि ये दरअसल आपका हक है जो अल्लाह ताला ने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का हक, मालदार लोगों के ऊपर रखा है। तो वो ज़रूरत आपका जो हक है वह हक हम तक पहुँचा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप जो तकलीफ के अंदर है, माशी तौर पर अल्लाह ताला आपको माश कम देकर अल्लाह ताला आपको आजमा रहा है, तो आप इस बात की कोशिश करिए कि आपके जो बच्चे अभी छोटे हैं उन लोगों को आला से आला तालीम दिलवाने की आप कोशिश करें। आपका एक ही मकसद होना चाहिए, वो ये कि हमारे बच्चे बड़े होने के बाद दीन के दाई बने, दीन का काम करने वाले बने, और दूसरा ये कि आपके बच्चे तालीम के मैदान में आगे बढ़े। इसलिए कि दुनिया के अंदर सिर्फ वही कौम तरक्की करती है जो तालीम के मैदान में आगे बढ़ती है। आप एक वक्त का खाना कम खाइए, कोई दूसरी आपकी ज़रूरतें हैं तो उसको कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दिलाने से पीछे मत हटिए। और जब आपके बच्चे आला तालीम हासिल कर ली, इंशाल्लाह उसके जरिए से अल्लाह ताला आपके हालात भी उसके बाद बदल देगा। सभी तो एक चीज़ जो जहन में रखिए, एक तो ये कि बच्चों को दीन की तालीम दिलाइए, दीन से वाबस्ता रखिए, खुद भी नमाज पढ़िए, अपने बच्चों की भी नमाजें बनाइए, और दूसरा ये कि दुनिया के एतबार से अगर देखा जाए तो आपके बच्चों को अच्छे स्कूल्स के अंदर पढ़ाइए, ताकि बच्चे आगे बढ़कर तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर आपका नाम भी रोशन करें, मिल्लत का नाम भी रोशन करें और इस मुल्क का नाम भी